आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट। इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स मैं आप सबको बताऊंगा। यदि आप बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इस सेमेस्टर में आपको एक सिनॉप्सिस सबमिट करना होगा एंड नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। कई बार ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होता है और आप बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में सिनॉप्सिस सबमिट नहीं कर पाते हैं और इस तरह से आपका 6 मंथ का डिले हो सकता है। तो इस चीज को आप नोट कीजिए कि बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में ही आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना चाहिए। सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए 2 साइकिल आपके पास है, साइकिल 1 साइकिल 2। साइकिल 1 के अकॉर्डिंग आप सिनॉप्सिस अप्रैल टू जून में सबमिट कर सकते हैं एंड इसका अप्रूवल होने के बाद आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है जुलाई टू सेप्टेम्बर। इसी तरह साइकिल 2 के अकॉर्डिंग आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना है अक्टूबर टू दिसंबर एंड इसका अप्रूवल हो जाता है देन आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है जैन टू मार्च। अब ये साइकिल का डिसीजन आप कैसे करेंगे? तो देखिए, आप बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। जिस साइकिल में आप बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में हो उसमें सिनॉप्सिस सबमिट करना चाहिए। मीन्स यदि आप साइकिल 2 के अकॉर्डिंग बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में आते हैं, मींस अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नवंबर में, तो इसका मतलब है साइकिल 2 मैच हो रहा है। और यदि आप इस सेमेस्टर में बीसीए फिफ्थ में हैं तो आपको अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में ये सिनॉप्सिस सबमिट कर देना चाहिए, यानी दिसंबर से पहले आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना होगा और इसका अप्रूवल हो जाता है तो फिर आपको जैन टू मार्च में प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। किसी भी रीजन से यदि ये साइकिल मिस हो जाता है, मीन्स आपने सिनॉप्सिस सबमिट नहीं किया इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अक्टूबर टू दिसंबर, तो फिर आपको नेक्स्ट साइकिल का वेट करना होगा। यानी इसके बाद नेक्स्ट साइकिल कब आएगा? ये आएगा अप्रैल टू जून, यानी अप्रैल टू जून में आपको सबमिट करना होगा। इसी तरह यदि कोई साइकिल 1 मिस कर जाता है, यानी अप्रैल टू जून में आपने सबमिट नहीं किया, तो फिर आपको नेक्स्ट साइकिल यानी अक्टूबर टू दिसंबर में आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन इस गाइडलाइन में दिया हुआ है, बीसीएसपी 064। आप इग्नू की साइट से ये गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे और ज्यादा डिटेल आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आरसी रीजनल सेंटर जो इग्नू का है वो इस टाइम पीरियड में आपको कुछ डिस्काउंट देती है, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा टाइम देती है, जून के बाद भी आपको टाइम दिया जाता है, तो आप अपने आरसी से कॉन्टेक्ट करके ये चीज क्लियर कर सकते हैं। बट ये बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल टाइम टेबल ये डिफाइन किया हुआ है इग्नू ने और इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट सबमिट किए जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्पेशल थिंग्स जो आपको सिनॉप्सिस डिजाइन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट का टाइटल टॉपिक आपको बहुत ही केयरफुली चूज करना चाहिए। कई बार हम लोग बहुत ही कॉमन टॉपिक चूज कर लेते हैं, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे टॉपिक से बचना चाहिए। कुछ इस तरह का टॉपिक आप चूज कीजिए जैसे ऐसा लगे कि आपने कोई जेन्यून वर्क आपने किया है। और ये टाइटल और टॉपिक कई बार हम लोग कहीं नेट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जैसे आप असाइनमेंट तैयार करते हैं, इस तरह से सिनॉप्सिस तैयार नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो ये आपको प्रॉपर जो बीसीएसपी 064 में गाइडलाइन दिया हुआ है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है आपका टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, इसको भी आपको केयरफुली डिसाइड करना चाहिए कि किस टाइप का आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड में कितनी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। जैसे आप एआई प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, नेटवर्किंग प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, मीन्स वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हैं, या एप्लीकेशन प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आप सबको। देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स बीसीएसपी 064 गाइडलाइन में दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन लैंग्वेजेस जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, C#, पाइथन, HTML, C#.NET। तो ऐसे लैंग्वेजेस का आप यूज कर सकते हैं और डेटाबेस में MySQL, SQL सर्वर और एकल, इन सारी डेटाबेस का भी इसमें से किसी एक डेटाबेस का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी आप चूज करेंगे अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपको किस लैंग्वेज का कितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस दिया हुआ है गाइडलाइन में, आप वहां देखिए। और यदि आपको लगता है कि इसमें से कोई और लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हो तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब एक और चीज है जिसको आपको ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान रखना चाहिए, गाइड। ये एक पर्सन होते हैं जिनका रिज्यूम आपको सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट में अटैच करना होता है।
और वो सेम पर्सन का रिज्यूम होना चाहिए सिनॉप्सिस में भी और प्रोजेक्ट में भी। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो सिनॉप्सिस में किसी और पर्सन का रिज्यूम अटैच कर दिया है और प्रोजेक्ट में किसी और पर्सन का, तो इस चीज को आप नोट कीजिए कि वो एक सेम पर्सन होना चाहिए जिनका रिज्यूम सिनॉप्सिस में भी जाएगा एंड प्रोजेक्ट में भी जाएगा। और ये पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, देखिए इनको या तो बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए, या एमसीए होना चाहिए, या एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस उनके पास हो, किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि उनको प्रोजेक्ट बनाने का एक्सपीरियंस हो, यानी इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट उन्होंने 1-2 साल पहले अपनी डिग्री कंप्लीट किया हो। जैसे अभी आप 2022 में आप प्रोजेक्ट सबमिट करने जा रहे हैं, सिनॉप्सिस सबमिट करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 से 2 साल पहले उनको मास्टर डिग्री या बीटेक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, यदि 2021 में किसी ने किया हुआ है तो सॉरी, आप उनका रिज्यूम नहीं लगा सकते, तो ये गैप होना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए आप, ठीक है। उसके बाद जो आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर करेंगे, उस सिनॉप्सिस में लगभग 20 to 30 pages आप इंक्लूड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 20 to 30 pages होना ही चाहिए। और इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स है जो गाइडलाइन में दिया हुआ है, मैंने कुछ कंटेंट्स को भी आपको यहाँ पर डिफाइन करके बताया है, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ ये सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना चाहिए। अब देखिए, कुछ ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होता है कि सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो उस डाउट को मैंने वन बाय वन क्लियर किया है। देखिए, सबसे पहले आपने सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके पास आपके पास दो ऑप्शन बचता है, या तो आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो सकता है या फिर अप्रूव्ड हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि अप्रूवल और रिजेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, एटलीस्ट इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो भी इवेल्युएट करते हैं सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट को, उसमें इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी इस चीज़ को चेक करते हैं प्रॉपरली, और इसमें यदि कोई मिस्टेक हो तो ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाता है। जैसे डेटाबेस डिज़ाइन आपने तैयार किया, इसमें आपने टेबल्स बनाए और टेबल का डिटेल्स लिखना होता है, ईआरडी लिखना हो, ईआरडी आपको बनाने पड़ते हैं इसके अंदर, जिसमें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आपने डीबीएमएस में किया होगा और सैड में भी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रॉपरली प्रिपेयर्ड करना चाहिए। डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम ये भी आपने बनाया है, तो इसका भी आपका जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड ईआरडी और डीएफडी होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डेटाबेस डिजाइन कहीं नेट से कॉपी कर लिया, ईआरडी किसी और नेट के किसी और वेबसाइट से कहीं से भी कर लिया, और उसको एक बार कंबाइन करके और आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं और बना देते हैं और आप सिनॉप्सिस सबमिट कर देते हैं, आपको लगता है कि असाइनमेंट की तरह है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने डेटाबेस डिजाइन किया है, इसी से रिलेटेड आपका ईआरडी बनेगा, इसी से रिलेटेड आपका डीएफडी बनेगा, क्लास डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो क्लास डायग्राम की रिक्वायरमेंट है तो ये भी बनाइए। यूज केसेस डायग्राम होते हैं, ये भी आपको उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। एंड मॉड्यूल्स, देखिए मॉड्यूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके सॉफ्टवेयर के फंक्शनलिटी को बताता है, तो मॉड्यूल को क्लियरली डिफाइन करना है और आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि कौन से मॉड्यूल का क्या फंक्शन है। तो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट डेटाबेस डिजाइन, ईआरडी, डीएफडी और मॉड्यूल, ये इसके रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होते हैं और इसी पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जो सिनॉप्सिस इवेल्युएटर्स होते हैं वो। तो इसीलिए आप यदि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो आपका ज्यादा चांसेस होता है कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो जाएगा, लेकिन इसमें आपने कोई मिस्टेक्स किया हुआ है तो वो फिर आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सिनॉप्सिस में कुछ भी लिख दिया और वो अप्रूव्ड हो जाता है, यानी एग्जामिनर ने जिन्होंने उसको इवेल्युएट किया है उन्होंने प्रॉपरली चेक नहीं किया है और आपको अप्रूवल दे देते हैं, तो फिर वाइवा के समय आपको प्रॉब्लम आती है, उस समय उनको लगता है कि आपने जो बनाया वो आपस में कनेक्टिविटी नहीं है ईआरडी, डीएफडी और डेटाबेस का, तो उस समय वो आपको फेल कर देते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिजेक्शन होने के क्या क्राइटेरिया है और अप्रूवल होने का क्या क्राइटेरिया है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट एक डाउट होता है, एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के मन में कि यदि हमारा सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। देखिए, आपका सिनॉप्सिस यदि रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है रिसबमिशन का, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।
आपको रीसबमिट करना पड़ेगा। अब रीसबमिट कब करना पड़ेगा, ये कई बार जैसे जिस साइकिल में आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया है, यदि वो साइकिल ओवर हो चुका है यानी उसका जो लास्ट डेट है वो निकल चुका है, तो आपको नेक्स्ट साइकिल में फिर से सिनॉप्सिस रीसबमिट करना पड़ेगा। बट इसके लिए कोई पेमेंट चार्ज नहीं आपको पे करना पड़ता है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं लगता है। कई बार स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फर्स्ट टाइम हमारा सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो गया तो दोबारा सबमिट करेंगे तो क्या उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं लगता, आप दोबारा सबमिट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यदि जिस साइकिल में आपने सबमिट किया है उसका डेट अभी ओवर नहीं हुआ है तो आप उसी साइकिल में दोबारा आप सबमिट कर सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट में आपकी कमी बताया गया, जो सिनॉप्सिस आपने सबमिट किया था उसमें जो उन्होंने रीज़न बताया, वो रिजेक्ट करते हैं तो रीज़न बताते हैं, तो उसके अंदर क्या रीज़न बताया गया है उस रीज़न को आप के अकॉर्डिंग फिर से उसमें चेंजेस कीजिए और फिर उसी टॉपिक को दोबारा सबमिट कर सकते हैं। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एक सिनॉप्सिस का टाइटल रिजेक्ट हो गया तो दोबारा उसको सबमिट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो एरर उसमें बताया गया है उस एरर को आप करेक्ट कीजिए, ठीक कीजिए, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि क्या आपका डेट भी ओवर हो चुका है साइकिल और उसके बाद आपको पता चला है कि आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो गया, तो नेक्स्ट साइकिल का वेट करेंगे तो लगभग 4 to 5 month का डिले हो सकता है, तो इसका क्या ऑप्शन है? देखिए, इसका एक ऑप्शन है कि आप अपने आरसी से कांटेक्ट करेंगे और उनको आप रिक्वेस्ट करेंगे, कई बार मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स के साथ करवाया है, तो वो 4 to 5 days का एडिशनल टाइम देते हैं कि आप 4 to 5 days में यदि वो सिनॉप्सिस आप सबमिट कर देते हो तो आपका इसी करंट सेशन में ही उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने आरसी से एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करना चाहिए, वो आपको टाइम देते हैं तो उसी सेशन में आप इसको सबमिट कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट साइकिल का ही वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज आपके मन में रह जाता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से। देखिए, नेक्स्ट एक और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि आपका अप्रूवल हो गया तो क्या करें। देखिए, जैसे ही अप्रूवल हो जाता है आपको अपने प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद देखिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, यही डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना होगा। इस डॉक्यूमेंटेशन में लगभग 250 to 300 pages होते हैं, ये आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके स्क्रीनशॉट लेने होते हैं, कोडिंग लेना होता है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। ये भी आपके प्रोजेक्ट गाइडलाइन में सीक्वेंस में मेंशन किया हुआ है कि चैप्टर वाइज किस तरह से आप इसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में क्या होगा, सेकेंड चैप्टर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्लियरली दिया हुआ है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद यही डॉक्यूमेंट है इसको आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के इसके दो तरीका है आज की डेट में, तो ये देखिए ऑनलाइन भी इसको लिया जा रहा है और ऑफलाइन भी होता है ऑफलाइन। तो जैसे ऑफलाइन देते हैं तो आपने जो ये डॉक्यूमेंट बनाया है, इस डॉक्यूमेंटेशन की आपको प्रिंट आउट करके डायरी बाइंडिंग करवानी होती है और उसके बाद आपको आरसी में सबमिट करना होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये इसका जो स्टडी सेंटर से कोई रिलेशन नहीं होता, ये आपके आरसी में ही सबमिट करना पड़ेगा। यदि ये ऑफलाइन है तो उस केस में आपको प्रिंट आउट निकाल के डायरी बाइंडिंग करवाना है, और जो प्रिंट आउट आप निकालेंगे वन साइडेड होगा यानी पेज के एक ही साइड में प्रिंट होगा, और डायरी बाइंडिंग करवा के फिर आपको आरसी में सबमिट करना है। और यदि ऑनलाइन है तो इस केस में आपको पीडीएफ की फाइल है और जो लिंक देते हैं आपके आरसी वाले, उस लिंक पे आपको सबमिट करना होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब एक और डाउट होता है कि क्या सबमिट करते समय वाइवा होता है? नहीं, सबमिट करते समय कोई वाइवा नहीं होता है, आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल हो गया तो आप सबमिट करेंगे, उसके बाद फिर वाइवा होगी। ठीक है, चलिए, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से जरूर पूछिए। नेक्स्ट अब है कि आपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, अब क्या होगा? प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया तो अब वाइवा होगा, वाइवा का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कीजिए। अब ये वाइवा में होता क्या है? बेसिकली देखिए, इसका कोई सिलेबस नहीं बना हुआ है, जैसे आपका थ्योरी पेपर का सिलेबस होता है, प्रैक्टिकल का सिलेबस होता है, इसका कोई सिलेबस नहीं है। इसमें आपके वो टीचर आपके प्रोजेक्ट से जो भी आपने टॉपिक चूज किया है उसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोडिंग करवा सकते हैं, या जो आपका सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, बीसीए सिलेबस में, वो किसी भी सब्जेक्ट से कोई टॉपिक आपसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये वाइवा का कोई सिलेबस नहीं है, तो इसलिए आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को आप प्रॉपर स्टडी करके जाइए। ज़्यादातर चांसेस होता है कि आपने जो टॉपिक यानी जो प्रोजेक्ट आपने सबमिट किया है उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार आपके जो सब्जेक्ट जैसे सी लैंग्वेज, जावा, सी प्लस प्लस जो आपने सिलेबस में स्टडी किया है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट ये बहुत
ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वाइवा से वो डर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंपल आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने कॉमन क्वेश्चन बता दिया, एटलीस्ट 50% क्वेश्चन भी आपने बता दिया तो वो आपको पास कर देते हैं, फेल नहीं करते हैं, ठीक है। और ये वाइवा भी कहाँ होगा, आपके आरसी में ही होगा, जो आपका रीजनल सेंटर है वहीं पे वो आपको डेट और टाइम बताएंगे, उस डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग। यदि ऑफलाइन है तो आपको वहाँ पे ऑफलाइन जाना पड़ेगा, यदि ऑनलाइन वाइवा है तो फिर आपको लिंक भेजेंगे और ऑनलाइन वो आपसे वाइवा लेंगे। यस, अभी कोविड के बाद से ऑनलाइन का भी सिस्टम स्टार्ट है अभी तक, तो कुछ ऐसे रीजनल सेंटर है जहाँ पे ये ऑनलाइन हो रहा है, और अभी अभी उन्होंने कुछ ऐसे आरसी वाले हैं जिन्होंने ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया है। तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए, जिस तरह के आपके आरसी से इंस्ट्रक्शन आता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। वाइवा में लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या वाइवा लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे बैठे हुए टीचर, नहीं ऐसा नहीं है, 1-to-1 होता है, एक टीचर होते हैं जो आपने प्रोजेक्ट सबमिट किया है उनके सामने होता है, वो प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और उसमें से कोई टॉपिक आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी लाइन, कोई भी कोडिंग का मतलब पूछ सकते हैं कि आपने क्यों किया है, कैसे किया है। यदि उनको 1% भी लगता है कि आपने इसमें कुछ काम किया है तो वो आपको पास कर देते हैं। तो इसमें जो फेल होने के चांसेस होते हैं 10% होता है, आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी वाइवा नहीं दिया, तभी वो आपका फेल होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं दोबारा। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं कर पाए, जो आपका साइकिल है सिनॉप्सिस अप्रूवल हो गया, उसके बाद जो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने का जो डेट होता है उस डेट पे आप सबमिट नहीं कर पाए तो क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट पूछते हैं मेरे से हमेशा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यदि साइकिल मिस कर जाते हैं, यानी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो गया बट आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है, तो आप नेक्स्ट साइकिल में फिर से प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। सिनॉप्सिस आपका वैलिड है अभी तक, यानी जो सिनॉप्सिस की वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है, यानी 2 सेमेस्टर की होती है। जैसे साइकिल 1 में आपका सिनॉप्सिस अप्रूवल हो गया और उस साइकिल में आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाते हैं, देन इस केस में आप नेक्स्ट साइकिल में जो प्रोजेक्ट सबमिशन का जो डेट होगा, टाइम होगा, उस डेट और टाइम पे आप प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे अभी मैंने बताया था साइकिल 1 में सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट सबमिट करने का डेट है, तो साइकिल 1 में सिनॉप्सिस अप्रूवल हो गया लेकिन प्रोजेक्ट नहीं सबमिट कर पाए, तो उसी सिनॉप्सिस के ऊपर नेक्स्ट साइकिल में आप प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि आपने नेक्स्ट साइकिल में भी सबमिट नहीं किया तो आपका वो सिनॉप्सिस इनवैलिड हो जाता है, यानी फिर दोबारा आपको चांस नहीं मिलता है, यानी उस सिनॉप्सिस को दोबारा आप प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर सकते उस सिनॉप्सिस के ऊपर। फिर से आपको स्टार्टिंग से वो सेम प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, यानी पहले आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपको एक चांस ही दिया जाता है, प्रोजेक्ट आपने सबमिट नहीं किया है तो एक चांस आपके पास है, जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें आप वो सबमिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट उसी सिनॉप्सिस के ऊपर। आई थिंक ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, यदि डाउट रह जाता है तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप प्रोजेक्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि प्रोजेक्ट के लिए 100 मार्क्स अलॉट किया हुआ है एंड वाइवा के लिए 100 मार्क्स अलॉट किया हुआ है, और दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कई बार सपोज कीजिए कि आपने प्रोजेक्ट में 60% मार्क्स आ गए हैं, यानी आप पास हो गए हैं, लेकिन वाइवा में आपका 20% मार्क्स आया है, तो ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट फेल ही माना जाएगा। कई बार आप वाइवा में 80% मार्क्स ले आते हैं और प्रोजेक्ट में आपका 20% मार्क्स है तो भी आपका फेल माना जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि दोनों में पास होना जरूरी है, यानी 40% मार्क्स इसमें भी आना चाहिए और 40% इसमें भी आना चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे। अब यदि आप फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, फेल हो जाते हैं तो फिर से वो सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा जो फर्स्ट टाइम आपने किया था। सिनॉप्सिस आपको दोबारा सबमिट करना है, इसके अप्रूवल होने के बाद प्रोजेक्ट आपको दोबारा सबमिट करना पड़ेगा, और ये पेमेंट करना पड़ेगा फिर से। इसमें देखिए, इसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मीन्स सिनॉप्सिस फेल हो जाए तो आपको पेमेंट नहीं करना होता है, लेकिन यदि आप प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं तो पेमेंट करना होता है। इसके लिए लगभग 850 के अराउंड ऐसा कुछ चार्जेस होगा, या आप अपने आरसी से कंफर्म कीजिए कि कितना पे करना है और वो पेमेंट करना है। लेकिन इसमें सिनॉप्सिस सबमिट करते समय नहीं पे करना होता है, आप सिनॉप्सिस सबमिट कर दीजिए, वहां से अप्रूवल आ जाएगा। जब प्रोजेक्ट आप सबमिट कर रहे होते हैं तो उस समय आपको पेमेंट करना होता है, यानी प्रोजेक्ट सबमिट करते समय या उससे पहले अप्रूवल के बाद आपको पे करना होता है। तो ये कितना अमाउंट पे
करना है या आप अपने आरसी से कांटेक्ट कीजिए। अब एक चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फेल होने का रीजन क्या होता है। देखिए वो जो एग्जामिनर जो टीचर आपका वाइवा लेते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट में काम किया है क्या आपने काम किया है, कुछ परसेंट आपको नॉलेज है या नहीं है। एटलीस्ट यदि उनको ये पता चल जाता है कि 25% भी आपने यदि उसमें काम किया है उस प्रोजेक्ट में, तो वो फेल नहीं करते हैं। और वो कई बार आपसे जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि आप हाई लेवल क्वेश्चन यानी अपर लेवल क्वेश्चन आप नहीं बता पा रहे हैं, तो अपने आप थोड़ा डाउन होकर वो क्वेश्चन पूछते हैं। और कई बार तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और आप बेसिक क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो फेल कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको SRS का फुल फॉर्म नहीं पता होता है, जिनको SQL का फुल फॉर्म नहीं पता होता है, जिनको DML का फुल फॉर्म नहीं पता होता है, DCL कमांड नहीं पता होता है, DDL कमांड नहीं पता होता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो वो टीचर कैसे पास कर सकते हैं। तो आप लोग बेसिक क्लियर करके जाइए और आपका ये जरूर वाइवा क्लियर हो जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को प्रॉपर स्टडी कर लीजिए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो क्लियर करके जाइए। और बेसिक क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया है, एटलीस्ट 50% क्वेश्चन का भी आपने आंसर दे दिया तो आपका चांस है 99% की वो पास कर देंगे यानी आप फेल नहीं होंगे। लेकिन यदि आपने बिल्कुल कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हुआ है तो कोई भी टीचर पास नहीं करता है। कल को आप भी टीचर बनेंगे और आपके सामने भी कोई स्टूडेंट आएगा और वो बेसिक क्वेश्चन नहीं बताता है तो आप भी उसको पास नहीं करेंगे। तो ये एक आपको समझना पड़ेगा। और हमेशा हम लोग टीचर को ब्लेम ना करें कि टीचर पास नहीं करते हैं, वो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि आपको कुछ परसेंट नॉलेज तो है क्योंकि आप फाइनल डिग्री लेने जा रहे हैं, आप BCA ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो वो ये देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ आप बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरा कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो आपका क्लियर हो जाता है। तो आई थिंक मैंने सारी डाउट्स क्लियर कर दिया है। बाकी मैंने यहाँ पे देखिए अपना ईमेल आईडी दे रखा है, ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी होगा, यहाँ से आप जाइए और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेरीज आपको पूछना होता है, कोई भी चार्जेस नहीं है इसके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मेल पे मैं सारी डिटेल दे दूंगा या इस वेबसाइट पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, वहाँ से आप मुझे कॉल करके बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आप मेरे से पूछ सकते हैं और आपको जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।